बोल बम यात्रा का करीबन 30% कंप्लीट हो गया है और मैं अभी 4:30 बजे करीबन कितना किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर तो पहले खाना खाने से पहले एक जगह रुका था वहाँ कर लिया था और मेरे को निकले करीबन 1.5 घंटे से 1.5 घंटा करीबन होने को है। इतने में करीबन मैं चलाऊँगा 8 किलोमीटर चल ही लिया हूँगा और मेरे दो मित्र बम्स संजय बम लव बम पीछे छूट गए हैं। मैं दौड़ते दौड़ते इधर आ गया हूँ, आगे उनसे बहुत, अभी मैं अकेले चल रहा हूँ। ये मेरा परछाई आगे की दीवार में दिखा होगा अकेला। बोल बम फिर मिलते। बोल बम हमारे बाबा धाम यात्रा का 119 किलोमीटर के यात्रा में अभी करीबन 23 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट कर लिए हैं और इतने में पैर का हालत इतना बुरा हो गया है कि शरीर का और कोई भी हिस्सा दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन जो पाँव का तरपाँव बोलते हैं ना और एड़ी, वहाँ फोड़ा और ये इतना ज़्यादा दर्द करने लगा है कि एक कदम उठाने पर भी ना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि ऐसा लग रहा है चलते ही नहीं बनेगा। और यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जितने बम हैं वो सब अभी जा रहे हैं बाबा धाम और अभी हम लोग गए यहाँ एक मौकाल जला नाम के एक होटल पे रुके हुए हैं अभी। और ये मेरे दो बम दोस्त लव भाई और संजय बम अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। दोनों के पैर में थोड़ा सा सूजन आ गया है। चलिए मिलते हैं फिर एक बार आपसे। ये सुल्तानगंज जो गंगा घाट है वहाँ से करीबन 23 किलोमीटर आज पहला दिन है, 23 किलोमीटर करीबन पार कर लिए हैं और इतने में जो पाँव का हालत है वो इतना गंदा स्थिति में पहुँच गया है, फोड़ा और इतना दर्द कर रहा है कि एक कदम आगे बढ़ाने से और थोड़ा सा पैर तक बस उछालने से ना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, आगे चलने का मन ही नहीं कर रहा। और मेरे दो बम्स लव भाई और संजय ये अभी सो रहे हैं, एक वहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ पर सभी रुके हैं होटल में और मैं अभी देख रहा हूँ, जग रहा हूँ, नींद नहीं लग रहा है। तो यहाँ देख सकते हो जितने बम्स हैं अभी उसी पथ पे आगे चले जा रहे हैं। हम लोग भी अभी 2 घंटा आराम करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे बोलबम। आ चुके हैं करीबन हम लोग रात को वही 9:45 या फिर 23 में निकले थे और सुबह 5 बजे तक के यहाँ पहुँच गए थे 23 किलोमीटर और इतने में ही पाँव का हालत थोड़ा सा बिगड़ गए हैं, मेरा उतना ज़्यादा नहीं लेकिन और दो भाइयों हैं उनके थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत में आ गए हैं। देख रहे थे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, उसके बाद फिर जैसे ठीक होते हैं फिर चलना आगे चालू करेंगे। अभी 23 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ एक होटल है, हर जगह यहाँ होटल और नहाने धोने के लिए जैसे कि शुद्ध हो गए तो सब लगे हुए हैं और जितने बम्स हैं वो अभी जा रहे हैं। इसके लिए एक अलग से बोल बम पथ यात्रा के लिए पथ बनाया गया है जिस पर अभी चल रहे हैं, जिसमें बालू और कुछ डस्ट का कुछ बिछा के रखे हैं चलने में दिक्कत ना हो इसलिए। तो बस आज का इतना ही है, आज पहला दिन है बोल बम का, आज 21 तारीख है और आज संडे है तो सोच रहे हैं कि कल मंडे को पहले ही दिन गंगा जल चढ़ा लेंगे करके। अभी देख रहे हैं चार भागों में से एक भाग अभी कंप्लीट हो गया है, एक चौथाई अभी पार कर लिए हैं, अभी 3 और बचा है
23 का। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बोलबम यात्रा के 23 से 24 किलोमीटर पूरा करने के बाद, आराम करने के बाद, अभी आज पहला दिन 21 तारीख को अभी अपन सब के सब निकल गए हैं फिर आगे बढ़ने के लिए। अभी जिस गांव में है उस गांव का नाम वैदपुर। बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, या फिर सरकार अच्छे से काम न करे, या फिर रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए, तो इन सभी चीज़ों को भगवान भी एक नज़र से ऐसे देखता है, समझ सकते हो। जैसे कि अभी सावन के महीने में देवघर यात्रा में इतने सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं, और जो पथ है, राह है, जिसमें लोग चल कर जाते हैं, वे सभी गांव के रास्ते हैं, एक ही रास्ते को यात्रा के लिए बुक करके या फिर उसी को यूज़ करते हैं, ऐसा समझिए। जो अभी रास्ता मेरे पीछे देख रहे होंगे ये, और आगे से भी देख सकते हैं, मेरे भी आगे या पीछे बहुत कम लोग हैं जो यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि सब के सब आगे निकल गए। और मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि उठाते नहीं बन रहा है, फिर भी से यात्रा पूरा करना है। यात्रा पूरा करने के लिए अब जो कदम उठाए हैं उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो आवश्यकता या विस्तार की जननी होती है उस बात को पूरा करते हैं। यहाँ सभी जो यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन सभी के लिए खाना पीना के लिए, फिर सोने के लिए, आराम करने के लिए, जो यहीं के लोकल हैं या फिर बाहर के हैं, वो जमीन यहाँ लेकर सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर चाहिए तो नहीं मिल रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। और मेरे दो दोस्त पीछे रह गए, पैर दर्द कर रहे करके मुँह का स्प्रे लेंगे करके रुके। देखो जिसकी मैं बात किया, और ये जो पीछे देख रहे हैं, ज़िंदगी की यही सच्चाई है दोस्तों। अभी हम लोग तीन लोग थे, और जैसे ही मुसीबत आन पड़ी तीनों पर, तीनों तीनों अलग अलग हो गए। चलिए बम, चलिए बम, काला है।
पैदल यात्रा के पहले दिन की समाप्ति और रात का समय, ये आप देख सकते हो नीलकंठ महादेव समिति, ये और गांव का नाम है घिवरा बंद, बिहार के घिवरा बंद बिहार राज्य। यहाँ को सेट अच्छा किए हैं लोग, एक लाइन में करीबन 3, 6 और 9 पंखे लगे हैं और ऐसे 3, 6, 7 लाइन। यहाँ भी खाना खाया हूँ मैं दिन भर में अभी एक बार, और ये चिकित्सा का आगे दिख रहा वो है, और ये मसाज वसाज का लगा है, अच्छा सुविधा दिए हैं।